भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। समता, क्या दूं? जो दे सकते हो वो दे दो साहब जी। समता, चल बैठ, साइकिल पर तुझे जूते देता हूँ। समता, आज मैंने अपनी बीवी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने जाते हुए देखा। बंता, तुम उनके पीछे नहीं गए फिर? नहीं यार, दरअसल वो पिक्चर मेरी देखी हुई थी। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में बहस करने लगते हैं। पहला डॉक्टर, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर, लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। तो तीसरा डॉक्टर बोला, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है क्या? आदमी, नहीं, मेरी चप्पल टूटी हुई है। भिखारी, कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूँ, लेकिन मैं चुप रहा। दूसरा भिखारी, क्यों? मुझे शक था कि शायद वो इनकम टैक्स वाला है। गर्लफ्रेंड, एक बात बताओ, जब वजन, लंबाई, चौड़ाई ये सब नापने के लिए मानक हैं, तो प्यार, दोस्ती और विश्वास नापने के लिए कुछ क्यों नहीं है? बॉयफ्रेंड, काफी देर तक लड़की की तरफ देखने के बाद, देख दिमाग मत खा, बेकार में पिट जाएगी, मैं पहले ही फिजिक्स में फेल हूँ। एक दिन पप्पू अपनी पड़ोस की आंटी को उनके घर छोड़ने गया। आंटी ने बोला, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम यहीं पर बिट्टू के कमरे में सो जाओ। पप्पू बोला, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। अगले दिन एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। पप्पू ने लड़की से पूछा, आप कौन हो? लड़की बोली, मैं पिट्टू, आप कौन? पप्पू, मैं साला उल्लू का पट्टा।